नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं। अब क्रेडिट कार्ड बहुत तगड़ी चर्चा का विषय है, क्योंकि हर आदमी को क्रेडिट कार्ड चाहिए, और चाहिए भी क्यों ना, वो मेट्रो में सफ़र करता है, वो किसी मॉल में जाता है, उसके पास लोग आके कहते हैं कि सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, बहुत अच्छे हम ऑफर प्रोवाइड करेंगे। कॉल्स भी आते हैं कि आपको एक बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड हम प्रोवाइड करेंगे। वैसे अगर ओपिनियन आप पूछेंगे तो मैं एक ही वर्ड में बोल दूंगा कि क्रेडिट कार्ड अच्छा है अगर आप टाइम पे पेमेंट करते हैं, तो टाइम पे पेमेंट नहीं करते तो फिर बेकार है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि भाई मार्केट में बहुत सारी बैंक से बहुत सारी क्रेडिट कार्ड जो प्रोवाइडर कंपनीज है, और उनके पास भी अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड है। अब हमें नहीं पता कि भाई कौन सा क्रेडिट कार्ड हमारे लिए अच्छा है, कौन सा बेकार है। तो आज मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर करूंगा कि कोई भी क्रेडिट कार्ड जब आप लेते हैं या कोई भी क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करते हैं, तो उससे पहले आपके दिमाग में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी थिंग्स है जो आपको याद रखनी चाहिए एक क्रेडिट कार्ड को लेने से पहले, ताकि आप अपने लिए एक सही क्रेडिट कार्ड का चुनाव कर पाए। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और मनी मैटर से रिलेटेड अगर वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफी अच्छी अच्छी वीडियोस यहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रेडिट कार्ड की जहां तक बात है, आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज है अगर टाइम पे पेमेंट करेंगे तो। अगर आपको ये लगता है कि यार आप टाइम पे पेमेंट कर देंगे, और आप कोई इस तरह के व्यक्ति नहीं है कि भैया अगर क्रेडिट कार्ड मिल गया तो आप ऊट पटांग खर्च करेंगे और आपकी जो सैलरी होगी उससे भी ज़्यादा खर्च कर देंगे, अगर ऐसा है जब तो आप मत लीजिए क्रेडिट कार्ड। क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक तरीके से कर्जा है, लोन है, और ऐसे ही काम करता है जैसे कोई कर्जा है, लोन हमारे सर पर चढ़ा रहता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मेरा खर्चे पर कंट्रोल है, अगर मैं 20,000 रुपये कमाता हूँ और मैं 5,000 रुपये ही खर्च करूँगा, मेरा कंट्रोल है अपने ऊपर पूरा, और 5,000 को टाइम पर पेमेंट कर दूंगा, जो भी कैशबैक ऑफर वगैरह मिलेंगे उनका भी मैं बेनिफिट उठा लूंगा, तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत बेस्ट है। यानी कुल मिला के अगर आपकी हैबिट ऐसी है कि आप खर्चे पर कंट्रोल रख सकते हैं और टाइम पर पेमेंट कर सकते हैं, तो ही क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब बात करेंगे कि आपने ये सब देख लिया, आप क्रेडिट कार्ड चुनना है भाई कैसे चुने। तो देखिए, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स मार्केट में आपको मिल जाएंगे, दुनिया भर के बैंक से, दुनिया भर की जो है प्रोवाइडर कंपनीज है जो आपको क्रेडिट कार्ड देगी और बहुत अलग अलग तरह के ऑफर्स प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, क्रेडिट कार्ड को जब हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे लगती है हमारी ज्वाइनिंग फीस, और एक लगती है एनुअल फीस। ज्वाइनिंग फीस वो होती है जो आपसे पहले ली जाती है, उसके बाद ही कार्ड आपको दिया जाता है। एनुअल फीस वो होती है जो पर ईयर लगती है। अब कुछ क्रेडिट कार्ड की जो फीस होती है वो होती नहीं है, जीरो फीस होती है, जीरो ज्वाइनिंग फीस होती है और जीरो ही एनुअल फीस होती है। कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड होते हैं जिन पे फीस होती है, लेकिन वो आपको वेलकम बेनिफिट दे देते हैं। यानी जैसे आप क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करते हैं, वो आपको कुछ बेनिफिट दे देते हैं, और वो बेनिफिट जितनी फीस लगे उसके या तो बराबर होता है, उससे ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आप उसको बराबर समझ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो भी क्रेडिट कार्ड आप ले रहे हैं उसकी ज्वाइनिंग फीस है या नहीं, उसकी एनुअल फीस है या नहीं, है तो फिर कितनी है, और वो हमें जो वेलकम बेनिफिट दे रहा है उसके से ज़्यादा है, उससे कम है, या फिर किस कंडीशन में हमारी जो ज्वाइनिंग फीस है या फिर एनुअल फीस है वो वे ऑफ हो जाएगी। क्योंकि कुछ कार्ड ऐसे भी होते हैं जिसमें लिमिट होती है, अगर आप एक साल में 1,00,000 रुपए की स्पेंड कर देते हो या फिर 2,00,000 रुपए स्पेंड कर देते हो, तो आपकी एनुअल फीस जो है वो वे ऑफ हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको फीस के बारे में देखना है, उसके हिसाब से आप कोई कार्ड चुन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार एनुअल फीस ज़्यादा है किसी कार्ड की, ज्वाइनिंग फीस ज़्यादा है और मुझे फ्री वाला कार्ड चाहिए, तो फिर आप फ्री वाला ही चुने। उसके बाद आता है कि जो क्रेडिट कार्ड आपको ऑफर दे रहा है। अब क्रेडिट कार्ड अलग अलग तरह के ऑफर प्रोवाइड करता है। कोई क्रेडिट कार्ड ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे ऑफर्स आपको मिल जाएंगे, किसी क्रेडिट कार्ड में आपको सिर्फ फ्यूल के ऑफर ज़्यादा मिलेंगे, बाकी ऑफर्स कम मिलेंगे। अब मान लीजिए आप फ्यूल ज़्यादा भरवाते नहीं, आपके पास कार नहीं है या बाइक नहीं है, या बाइक है तो कभी कभी आप जाते थोड़ा बहुत फ्यूल भरवाते हैं, तो फिर वो आपके कोई काम का नहीं है। क्या मान लीजिए किसी क्रेडिट कार्ड में आपको मूवीज़ के ऑफर मिलते हैं और आप मूवी देखने के बहुत शौकीन हैं, तो फिर वो आपके काम का हो जाता है। तो यानी आपको ये देखना है कि जो क्रेडिट कार्ड ऑफर प्रोवाइड कर रहा है उसकी आपको नीड है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि आपकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑफर मिल रहे हैं उस क्रेडिट कार्ड के अंदर, तो फिर वो क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट हो जाते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो सारे ही क्रेडिट कार्ड बेस्ट हैं, लेकिन सबके ऑफर डिफरेंट होते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास कार में बहुत सारा फ्यूल मुझे चाहिए, मैं भरवाता हूँ हर महीने, तो मेरे को यहाँ पे एक फ्यूल वाला क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा, वो मेरे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अब मेरी वाइफ के पास कार नहीं है, वो कोई फ्यूल भरवाती भी नहीं है, उसको अगर मैं वो कार्ड दे दूंगा उसके लिए बेकार है। उसको मूवीज़ देखने का शौक है तो उसको मूवीज़ वाला ऑफर वाला कार्ड दूंगा। तो यहाँ पे आपको ऑफर अपनी नीड के हिसाब से चूज करने हैं। अगर आपको आपकी नीड के हिसाब से कोई कार्ड ऑफर प्रोवाइड कर रहा है, वो कार्ड आपके लिए बेस्ट है। अब यहाँ पे बात आती है रिवॉर्ड पॉइंट की या कैशबैक की। देखिए, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ऐसे होते हैं जो आपको कैशबैक देते हैं, तो वो तो ठीक है भाई, कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं, कैशबैक के तो कम ही है, रिवॉर्ड पॉइंट के ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलते हैं उनकी एक्चुअल में एक तो वैल्यू कितनी है,
दूसरी वो जो रिवॉर्ड पॉइंट है आप उनको जब रिडीम करोगे तो वो इजी प्रोसेस है कि नहीं, कहीं पता लगे कि कोई क्रेडिट कार्ड आपने ले लिया उसमें रिवॉर्ड पॉइंट तो आपने काफी सारे इकट्ठे कर लिए, खूब सारी स्पेंडिंग भी कर ली, लेकिन जो रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिले हैं उनको रिडीम करना एक ईजी है ही नहीं। तो अगर इजी गोइंग कोई रिवॉर्ड पॉइंट इजी वे में आप उनको रिडीम कर सकते हैं तभी वो रिवॉर्ड पॉइंट आपके काम के और तभी वो कार्ड आपके लिए फायदेमंद है। तो आप पहले ही देखें कि भाई इस कार्ड में जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं उनको आप कैसे और कहां पर रिडीम कर सकते हैं और वहां पर आपको जरूरत होती है या नहीं होती और कितना वो ईजी है। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं, आगे ये है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है आप भूल सकते हैं या कोई ना कोई कंडीशन लाइफ का कुछ पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है कि आप क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है वो टाइम पे ना कर पाए तो वहां पे आपका पेमेंट ड्यू हो जाएगा। तो आप ये देखें कि जब पेमेंट आपका ड्यू होगा उस केस के अंदर इनकी जो ड्यू की जो फीस है जो पेनल्टी है वो कितनी है और कितना इंटरेस्ट ये आपसे लेंगे तो वो आपको पहले ही देखना है। कोई हिडन चार्जेज है तो वो कितना है, सारे चार्जेस के बारे में आपको पहले ही पता लगा लेना है क्योंकि अगर आप टाइम पे पेमेंट करेंगे तब तो कोई चार्जेस नहीं है, कोई पेमेंट ड्यू फीस कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगी, लेकिन इनकेस कभी ऐसा लाइफ में हुआ तो भाई कितना हर्जाना हमें देना पड़ेगा ये आपको पहले ही देख लेना है। अगर आपको लगता है कि जो क्रेडिट कार्ड आपने लिया है उस पर पेनल्टी कुछ ज़्यादा नहीं है, कभी हमारा पेमेंट ड्यू भी हो जाएगा तो हम इजीली जो है उसको भर देंगे, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी, तभी वो क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट होगा। अब इस तरह की जो चीज़ है वो आपको पहले से याद रखनी पड़ेगी और जब भी कोई क्रेडिट कार्ड लेंगे आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखेंगे। जो सेल्समैन आपके पास आता है वो आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में जो भी कुछ समझा रहा है उसको आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वेरीफाई भी करें और जो भी टर्म्स कंडीशन है उनको आराम से पढ़ लें, आप देख लें कि हाँ ये बात सही है या फिर ये हमको ऐसे ही जो है पागल बनाने की कोशिश कर रहा है अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे दो और मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि आप जब भी कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं उसकी जो भी लिमिट मिलती है उसको 70% तक ही यूज़ करें एवरी मंथ। 70% से कम अगर यूज़ करते हैं तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छे से बिल्ड हो जाता है अगर आप टाइम पे पेमेंट करते हैं तो, लेकिन अगर आप 70% से भी बहुत ज़्यादा 80-90% तक लिमिट उसकी यूज़ करेंगे तो क्रेडिट स्कोर पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं होता है। तो आप 70% से कम यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपको लिमिट कम मिली हुई तो आप लिमिट बढ़वाने की कोशिश करें लेकिन 70% से ज़्यादा खर्चा ना करें। और जो सबसे तगड़ी जो टिप है वो यही है कि भाई आप टाइम पे पेमेंट करें, अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे तो क्रेडिट कार्ड आपका बहुत बड़ा दुश्मन बन जाएगा। तो आई होप कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, जब भी आप अगला कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो इन बातों को ध्यान में रख के अपने लिए एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड चुन पाएंगे। और ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, मनी रिलेटेड वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।